दोस्तों, अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वे पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वे खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों, क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं।
संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है।
लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों, क्या पार्थिबन ही लियो है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिषा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देशभर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है।
फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है।
तो दोस्तों क्या पार्थिबन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया, वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है।
इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की, तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा।
तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका
पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिषा और दो बच्चों के साथ रहता है।
वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिबन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्गा आ जाता है। पार्थिबन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंचता है। वह पार्थिबन से मिलता है लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों, क्या पार्थिबन ही लियो है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा,
सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं।
संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है।
लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों, क्या पार्थिबन ही लियो है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिषा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वे पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वे खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
ये मूवी दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देशभर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों
ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंचता है। वह पार्थिवन से मिलता है लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोज ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लकड़बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है।
लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिषा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है।
उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंचता है। वह पार्थिबन से मिलता है लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों, क्या पार्थिबन ही लियो है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार इंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट।
जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में।
तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्गा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है।
फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है, ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की, इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की, तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़बग्घा आ जाता है, पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वह पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है।
तो दोस्तों क्या पार्थिबन ही लियो है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लगड़ बग्गे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया, वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिषा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिषा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है।
इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की, तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और दो बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वे पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वे खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की, तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस की सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लियो मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी लियो, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में दोस्तों स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विजय, त्रिशा, लोकेश कनगराज, संजय दत्त, अर्जुन सरजा, सूर्या, प्रिया आनंद, अनुराग कश्यप, सैंडी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप ये मूवी जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 44 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर। और दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहाँ पार्थिवन विजय अपनी पत्नी सत्या त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वे एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिवन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़ बग्घा आ जाता है। पार्थिवन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर में अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हारोल्ड दास अर्जुन सरजा को अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिवन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद से लियो गायब है। हारोल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास संजय दत्त अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुँचता है। वे पार्थिवन से मिलता है, लेकिन वे खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिवन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। तो दोस्तों क्या पार्थिवन ही लियो है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एक बार एंजॉय करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर लोकेश कनगराज ने इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं किया। फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीन्स आपका पैसा वसूल कर देते हैं। फिल्म की शुरुआत विजय और लक्कड़ बग्घे के बीच जोरदार लड़ाई वाले सीन से होती है। फिल्म की कहानी इंटरवेल तक आपको बांध कर रखती है। इंटरवेल के पहले कहानी में बतौरे मेन विलन संजय दत्त की एंट्री होती है, लेकिन अफसोस कि सेकंड हाफ में फिल्म की कहानी कमजोर पड़ जाती है। लोकेश ने अपनी फिल्म में बढ़िया कलाकारों के साथ जोरदार एक्शन का तड़का लगाया है, लेकिन इंटरवेल के बाद वे कहानी को उतना दमदार नहीं बनाए रख पाए। क्लाइमैक्स में एक्शन जरूर शानदार है, लेकिन कहानी के लेवल पर फिल्म का एंड आपको अखरता है। खासकर फिल्म में एक खतरनाक विलन की कमी अखरती है। बात अगर कलाकारों की करें तो विजय ने फिल्म में शानदार काम किया। वे शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में छाए हुए हैं। संजय दत्त एक विलन के तौर पर विजय के सामने बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अर्जुन सरजा ने जरूर विजय को दमदार चुनौती दी है, लेकिन उन्हें उतने ज़्यादा सीन नहीं मिले। त्रिशा ने बढ़िया काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा।
तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन एंड ड्रामा एंड थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।